चिन्ह का नाम बताइए। एक पूर्ण विराम, दो प्रश्नवाचक चिन्ह, तीन अल्प विराम, चार योजक। इस चिन्ह का नाम बताइए। एक पूर्ण विराम, दो प्रश्नवाचक चिन्ह, तीन अल्प विराम, चार योजक। इस चिन्ह का नाम बताइए। एक विस्मयादिबोधक, दो प्रश्नवाचक, तीन अल्प विराम, चार योजक। इस चिन्ह का नाम बताइए। एक प्रश्नवाचक, दो अल्प विराम, तीन योजक, चार पूर्ण विराम। इस चिन्ह का नाम बताइए। एक प्रश्नवाचक, दो अल्प विराम, तीन योजक, चार पूर्ण विराम। इस चिन्ह का नाम बताइए। एक प्रश्नवाचक, दो अल्प विराम, तीन योजक, चार अर्धविराम। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। पिताजी, आप कहाँ गए थे? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चाचा डैश चाची का आदर करो। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ओ डैश कितनी सर्दी है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है डैश। वाक्य की समाप्ति पर विराम जब लंबा होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक अल्प विराम, दो अर्ध विराम, तीन पूर्ण विराम, चार इनमें से कोई नहीं।
वाक्य में विराम देने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? एक, संज्ञा। दो, सर्वनाम। तीन, विशेषण। चार, विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ क्या होता है? एक, थोड़ा। दो, ज्यादा। तीन, बहुत ज्यादा। चार, इनमें से कोई नहीं। किस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है? एक, अर्धविराम। दो, अल्पविराम। तीन, योजक चिन्ह। चार, पूर्ण विराम। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक, पूर्ण विराम। दो, अल्प विराम। तीन, प्रश्नवाचक। चार, विस्मयादिबोधक। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हमें दिन डैश रात मेहनत करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाह डैश कितना सुंदर दृश्य है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यह किताब किसकी है? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं डैश। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। छी डैश कितनी बदबू आ रही है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है डैश। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सिया दाल डैश भात खाती है।
निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मुझे मत रोको डैश कहने दो। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। टोकरी में आम डैश केले डैश लीची और संतरे रखे हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वह विद्यालय जा रहा है डैश। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यह कार किसकी है? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किसान बहुत मेहनती होते हैं डैश। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या तुम मुझे जानते हो डैश? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अरे डैश, तुम इतनी जल्दी उठ गए। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दोपहर का समय था डैश वर्षा हो रही थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग विद अस। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।